All right, a very happiest morning, everyone. So let's begin the analysis of the Hindu newspaper, right? So the first news in the today's newspaper is Revanth sworn in as Telangana CM. Not very important from the examination point of view. All right. So this news is a very significant one. And as the news article says, the center announces 1500 crore aid to Tamil Nadu and Andhra Pradesh after cyclone wreaks havoc, right? तो ये हम लोगों को पता है कि मिश गोंग वहां पे आया हुआ है, चेन्नई में आया पहले, तमिलनाडु में आया पहले और उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में आया। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ना बहुत ज्यादा इसने इम्पैक्ट किया है और बहुत ज्यादा मतलब इकोनॉमिक लॉस हुआ है, एज वी हैव रेड इन दैट WMO रिपोर्ट एज वेल, कि ये जो साइक्लोन होता है ना वो क्या करता है, वो इकोनॉमिक लॉस ज्यादा करता है, राइट? तो वही इकोनॉमिक लॉस अभी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को फेस करना पड़ा है। फॉर दैट सेंटर हैज रिलीज 1500 करोड़ एड टू तमिलनाडु। तो सबसे पहले तो ये सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 2 के पॉलिटी वाले सेक्शन में, राइट? उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। 493 करोड़ टू आंध्र प्रदेश, 450 करोड़ टू तमिलनाडु, इन दोनों को दिया गया है। और उसके बाद 561 करोड़ जो है ना वो किसके लिए दिया है, चेन्नई को दिया गया है फॉर फ्लड मिटिगेशन एफर्ट्स, राइट? इसमें जब हम लोग देखते हैं ना कि ये हेल्प फॉर चेन्नई, इसको होम मिनिस्टर जो है मिस्टर अमित शाह, उन्होंने ट्विटर पे आकर के, जो कि अब एक्स हो चुका है, उसको उस पे आकर के इन्होंने अनाउंस किया कि हमने चेन्नई इज फेसिंग मेजर फ्लड्स एंड द थर्ड सच अकरिंग इन द लास्ट 8 ईयर्स। We are witnessing more instances of metropolitan cities receiving excess rainfall, leading to sudden flooding. Right? Guided by a proactive approach, Prime Minister Narendra Modi ji has approved first urban flood mitigation project of 561 crore for integrated urban flood management activities for Chennai Basin project. तो ये एक अलग से project start किया गया है और फर्स्ट सच है, राइट? फर्स्ट सच यू नो अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, ठीक है? और ये किसके अंडर किया गया है, अंडर NDMF नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड, विच आल्सो इंक्लूड सेंट्रल असिस्टेंस ऑफ 500 करोड़ विल हेल्प मेक चेन्नई फ्लड रेजिलियंट। दिस इज द फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ अर्बन फ्लड मिटिगेशन एफर्ट्स। इन अदालत पोस्ट ही सेड मेनी एरियाज इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु कंटिन्यू टू रिमेन inundated, thus affecting standing crops. To help the state governments with the management of the relief, Mr. Modi had directed the Ministry of Home Affairs to release in advance the central share of the second installment of state disaster response fund of 493 crore to Andhra Pradesh and 450 crore to Tamil Nadu. ये second installment गया हुआ है, first installment already जा चुका है. The center had already released first installment of the same amount to both the states. I pray for safety and well-being of all those affected. So this is what the Home Minister has said, and this is very much important. So center state relations में आप बताएंगे कि जब कभी भी कुछ अगर इस तरह का disaster वगैरह आता है, उसमें center cooperate करता है with state in different manner. जैसे कि हमने कल वाले news में देखा था या previous newspaper analysis में देखा था कि वो तुरंत फोर्सेस भी भेजते हैं, जो भी सेंट्रल फोर्सेस होते हैं ना उनको भेजते हैं वहां पे कि जाकर के वहां पे उनको कोऑपरेट करो विद द स्टेट। ऑलराइट, सो देयर बी ऑल इन दिस न्यूज। नाउ दिस आल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ द फर्स्ट पेज न्यूज एंड देयरफॉर वी नीड टू स्टडी दिस। पन्नुम एसोसिनेशन प्लॉट लाइकली टू बी एट द टॉप ऑफ FBI चीफ्स एजेंडा ऑन इंडिया विजिट नेक्स्ट वीक। अब इसमें क्या है ना कि FBI के चीफ आ रहे हैं इंडिया में, तो ऑब्वियसली जब वो आ रहे हैं तो पन्नूम वाला केस इतना ज्यादा मतलब चल रहा है न्यूज में, तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू फॉर्म द टॉप ऑफ द एजेंडा, राइट? तो इसी के बारे में इसमें दिया हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखी हुई है, यही इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है, दैट इज ऑल, राइट? द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडिया इज मूविंग फॉरवर्ड व्हाइल डेवलप्ड कंट्रीज आर स्ट्रगलिंग, से सीतारमन। देखो क्या हो रहा था, 3 डे से डिबेट चल रहा था, 3 दिन से डिबेट चल रहा था ऑन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी इन राज्यसभा। ऑन थर्सडे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन काउंटर्ड द चार्जेस ऑफ अपोजिशन एंड सेड सेंटर हैज एड्रेस्ड इश्यूज ऑफ इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड इक्वालिटी,
राइट सॉरी इनइक्वालिटी, ठीक है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी, इन तीन चीजों पे सेंटर ने इनके हिसाब से काम किया हुआ है। उन्होंने अपने पक्ष में कुछ डेटा दिया, उन्होंने बोला कि इंडिया हैज रजिस्टर्ड हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन द वर्ल्ड इन सेकेंड क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। 90 मिनट का उन्होंने रिप्लाई दिया, उस रिप्लाई में उन्होंने बोला कि ग्रोथ जो है हम लोग का बहुत हाई है एंड इट इज हाईएस्ट ग्लोबली एंड द कंट्री इज नाउ सेकेंड मोस्ट सॉट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड, राइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग कोट कर सकते हैं अपने आंसर में डायरेक्ट, ठीक है। वी कंटिन्यूअसली मेंटेन दैट मोमेंटम ऑफ बीइंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, राइट, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। काउंटरिंग द चार्जेस द ग्रोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज नेगेटिव, शी सेड थ्रू स्कीम्स सच एज मेक इन इंडिया द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज ऑल्सो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी एंड इट्स शेयर टू द जीडीपी इज 13.9%। The PMI Purchasing Managers Index in November was 56. और ये क्या शो करता है? It is in the expansionary territory. So sustained growth is indicative of growth, right? This is what she has said. ठीक है? तो इसके बारे में बात हुई है, हम लोग fifth largest economy है in the world और in last 9 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट उनका ये अचीवमेंट काउंट करा रही थी। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है जो आपके आंसर राइटिंग में आपको मेंशन करना होगा कि लास्ट 5 years ने मेना 13.5 crore पीपल हैव कम आउट ऑफ मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी। तो ये फैक्ट हम लोग को कोट करना होगा अपने आंसर्स में। जो भी फैक्ट मैं बताता हूं आपको उन फैक्ट्स को याद कर लेना, कहीं नोट डाउन कर लेना और उन फैक्ट्स को यू हैव टू कोट इट इन दो इन द एग्जामिनेशंस, राइट। नाउ लेट अस सी दिस न्यूज, दिस इज ऑन द स्टेट पेज, सो बट दिस इज इंपॉर्टेंट। द सेंटर अप्रूव्ड बोर्ड प्रेजिंग टैगोर पुट अप एट शांतिनिकेतन टू मार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग। तो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला हुआ है उसको, शांतिनिकेतन को, ठीक है। इसमें ये कुछ नहीं कुछ कंट्रोवर्सी था क्योंकि पहले जब यूनेस्को टैग मिला तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना वहां के चांसलर हैं और वहां के एक वाइस चांसलर हैं, तो उन दोनों का फोटो लगा हुआ था वहां पे प्लेकार्ड पे, राइट। तो उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, तो उस कंट्रोवर्सी को दरकिनार करने के लिए एक नया प्लेकार्ड वहां पे लगा और उसी के बारे में इसमें न्यूज कवर है। यहां पे हम लोग को बस दो चार फैक्ट्स यहां से ले लेना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। शांति निकेतन किसके द्वारा फाउंड किया गया था? इट वॉज फाउंडेड बाई देवेंद्रनाथ टैगोर। एंड विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है वो किसने सेटअप किया था? उनके बेटे रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिसको कि हेरिटेज स्टेटस अभी दिया है यूनेस्को ने, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रोल भी आप लोग पढ़ लेंगे। यूनेस्को तो ऑफकोर्स यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारे लिए हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है, राइट। नाउ यू सी दिस न्यूज, दिस न्यूज लुक्स वेरी इनसिग्निफिकेंट बट इट इज वेरी मच सिग्निफिकेंट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लोकसभा पासेस बिल टू एस्टैब्लिश सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना, ठीक है। इसके अंदर कुछ ना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कुछ फैक्ट्स दिए हैं जो फैक्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने देखा लास्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस में, इन वन ऑफ आर न्यूज़पेपर एनालिसिस मैंने बताया था आप लोगों को कि एक कांग्रेस एमपी ने लिखा था प्राइम मिनिस्टर को लेटर, उसमें उन्होंने बताया था कि ओबीसी एससी और एसटी का रिजर्वेशन वाला रिजर्व सीट जो है नहीं फिल हो रहा है वो, ठीक है ना। तो उसके बारे में उन्होंने कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट किए थे कल ना लोकसभा में। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान साहब ने उन्होंने कुछ फैक्ट्स बताए कि वो फैक्ट को उन्होंने मतलब दरकिनार किया है, ठीक है। पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं। लोकसभा ऑन थर्सडे पास द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल टू एस्टैब्लिश समक्का सरक का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज ऑब्लिगेटरी अंडर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। रिप्लाइंग टू द डिबेट यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान काउंटर द ऑपोजिशन चार्जेस दैट एनरोलमेंट ऑफ एससी एसटी एंड ओबीसी स्टूडेंट्स इज इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैज कम डाउन। और इसके लिए अपने इस स्टेटमेंट को वो बैक करेंगे बाय डेटा। वो डेटा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बहुत बड़ा डिबेट है, ठीक है। वो फैक्ट जो है ना आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मिस्टर प्रधान सेड एनरोलमेंट ऑफ ओबीसी स्टूडेंट्स इंक्रीज्ड बाय 80% बिटवीन 2014 एंड 2021-22, 80%, राइट। द ग्रोथ ऑफ एससी स्टूडेंट्स इज 43.8%,
right, SC students. So within that, growth of women students is about 51%. He said PhD registration, the minister said, almost doubled between 2014 and 23 from 1,17,301 to 2,13,000. This is 81% growth. Mr. Pradhan claimed, right? He added that number of women researchers grew by 106% during NDA rule. The minister on the complaints that vacancies, especially of teachers, are not filled in the central universities, said till October 28, there were 18,019 vacancies in academics. Till this date, within 2 months, the center has filled 11,272 vacancies, the minister said. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. गवर्नमेंट से ये डायरेक्टली मिनिस्टर से डेटा आ रहा है, वो भी लोकसभा में बोला गया है, ये डेटा गलत नहीं होगा. तो ये डेटा हम लोग डायरेक्ट कोट करेंगे, ठीक है. ये हम लोग नेगेटिव में डालेंगे कि 18,000 वैकेंसीज रही हैं, लेकिन उसमें से इनका कहना है कि 2 महीने में 11,000 फिल किया जा चुका है, ठीक है. तो हम लोग इसको ना नेगेटिव में भी कहेंगे कि अगर 2 महीने में आपको मिल जा रहे हैं 11,272 टीचर्स, तो उसके पहले क्यों नहीं मिल पा रहे थे आपको, ठीक है. और उसके बाद ये सारे डेटा तो आपको पॉजिटिव्स में डालना ही डालना है. अपना डिबेट, जब वो डिबेट कोई बोलेगा कि गवर्नमेंट जो है ना कोशिश कर रही है कि ओबीसी और एससी एसटी का रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाए स्लोली एंड ग्रेजुअली, तो आपको ये सारे डेटा पक्ष में देना है, उनके उनके फेवर में बात करने के लिए अलग डेटा फॉर्म करना है, ये डेटा उनके अगेंस्ट में आपको प्रेजेंट करना होगा टू यू नो बैक योर पॉइंट. अगर आप फेवर में है, अगेंस्ट में है, हालांकि बैलेंस करने के लिए आपको एग्जामिनेशन में तो दोनों साइड का डालना है. नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट आई रेड टुडे एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. रिजर्वेशन पॉलिसी नीड नॉट बी फॉलोड, मेरिट मस्ट बी द सोल क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ ऑफिसर्स. और किसने कहा है? ये हाईकोर्ट ने कहा है, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट है कि रिजर्वेशन पॉलिसी लॉ ऑफिसर्स के केस में नहीं इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, मेरिट के बेसिस पे आप उनको अपॉइंट कर सकते हैं. ये जजमेंट आया है हाईकोर्ट का. तो ये जजमेंट अब इतना खतरनाक वाला रूलिंग है, तो उसको डिटेल में पढ़ना तो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, ठीक है. तो हम लोग देखते हैं, होल्डिंग दैट द रूल ऑफ रिजर्वेशन नीड नॉट बी फॉलोड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ ऑफिसर्स. The Madras High Court on Thursday said merit must be the sole criterion for such appointments, as the government is duty bound to engage only the most proficient, competent and capable lawyers to represent it before the courts of law. Law officers वो होते हैं जो government को represent करते हैं in the court of law, ठीक है. ये clear हो गया. Chief Justice Sanjay V. Gangapurwala and Justice D. Bharat Chakravarti wrote, the relationship between the government and the law officer is purely professional and not of a master and a servant. Since lawyers engaged by the government do not hold civil post, wo civil post nahi hota hai, and therefore Article 16 subclause 4 of the Constitution will not be applicable. Since the law officers engaged by government do not hold a civil post, and therefore Article 16 subclause 4 of the Constitution will not be applicable. So Article 16 सबसे पहले आपके लिए important हो जाता है. ये detail में आपको बताया नहीं जाएगा. ये basically appointment on a public post के बारे में बात करता है, और subclause 4 जो है वो reservation के बारे में बात करता है. तो ये बोल रहे हैं कि ये चूंकि civil post नहीं होगा ना, इसलिए Article 16 subclause 4 is not applicable to that post. Now moving on to the next. The verdict was delivered while dismissing a public interest litigation petition filed by VCK leader in 2017, insisting upon transparency and adequate reservation of for representation for women, the SC and the ST and the minorities in appointment of law officers. The petitioner's counsel M. Palimuthu argued that the appointment of law officers of High Court of Madras and its bench Madurai Rules 2017 were framed in a bid to ensure transparency in such appointments, but they have failed miserably to provide vertical as well as horizontal
रिजर्वेशन। तो इन्होंने एक पिटिशनर है, यूवीसी के लीडर है, उन्होंने फाइल किया था कि ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं करते हैं, वुमेन को रिप्रेजेंटेशन, एससी एसटी और मिनोरिटी को रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं लॉ ऑफिसर्स के केस में। तो इन दैट केस उन्होंने बोला है कि ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ ऑफिसर्स ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ मद्रास एंड इट्स बेंच इन मदुराई एट मदुराई अपॉइंटमेंट रूल्स 2017 इज बीइंग वायोलेटेड। तो इनके कहने का मतलब है कि चूंकि वो वायोलेट हो रहा है तो अडॉप्ट ही किया गया था, इनएक्ट ही किया गया था वो रूल इसलिए कि ताकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन दिया जा सके, बट वो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद कहते हैं रिलाइंग अपॉन अ फ्यू गवर्नमेंट ऑर्डर्स काउंसिल सेड दैट द रूल ऑफ रिजर्वेशन मस्ट बी अप्लाइड इवन टू कॉन्ट्रैक्चुअल एज वेल एज टेम्पररी अपॉइंटमेंट्स बारिंग दोज दैट वर टू लास्ट फॉर लेस देन 45 डेज। ठीक है, He insisted that 2017 rules be declared unjust and arbitrary since they do not provide reservations. On the other hand, Advocate General argued that the post of law officer was not a civil post and a lawyer could not be considered as government employee. Replying upon the Supreme Court verdict in Indira Sawhney case, इनका कहने का मतलब कि वही सेम चीज एडवोकेट जनरल ने कहा कि वो सिविल पोस्ट होल्ड नहीं करते हैं। रिलाइंग अपॉन सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन इंदिरा सोनी केस 1992 वेयर इन इट वाज हेल्ड दैट इट माइट नॉट बी एडवाइजेबल टू प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज इन सर्टेन सर्विसेज एंड पोजीशंस। द एजी सेड दैट द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर वाज वन सच पोजीशन। तो ये इंदिरा गांधी केस में कहा गया है जो कि बेडरॉक है रिजर्वेशन के केस में, तो उसमें ये कहा गया है कि कुछ ऐसे पोस्ट होंगे, कुछ ऐसी सर्विसेज होंगी जिसमें कि रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होगी। जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने यही बोला कि ये वन सच लॉ ऑफिसर इज वन सच पोजीशन जिसमें कि रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। कंकरिंग विद हिज सबमिशंस द डिविजन बेंच सेड द रिलेशनशिप बिटवीन एन एडवोकेट एंड हिज और हर क्लाइंट इज अ प्रीमा फाइट्स, दैट इज वन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। ठीक है, सिंस द गवर्नमेंट वॉज ऑब्लिगेटेड टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट सच ड्यूटी मैंडेट्स इट टू मेक honest efforts to engage only the best lawyers. Authoring the verdict, the Chief Justice said, neither the law officers are appointed to a civil post, nor are they employees of the government. In view of the aforesaid discussion, it cannot be held that reservation needs to be provided. तो कहने का मतलब कि जो civil post hold करता है, उसी को reservation मिलने की का दरकार है, otherwise वो नहीं मिलेगा, है ना? तो ये आप समझ रहे हैं, इस पे यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों में ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है। ठीक है ना, तो ये आई होप कि आप लोग को आर्टिकल समझ में आया हो, इसको एक बारी कर्सरी रीडिंग दे भी देंगे आप लोग। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। आज वाले ना दोनों एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहला एडिटोरियल है नो फेट और कंप्लाई, इससे कुछ समझ में हमें नहीं आया। उसके बाद हम लोग देखते हैं रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड एंड पोल्स इन जे एंड के शुड नॉट बी डिलेड फर्दर। तो हम लोग को इससे समझ में आ गया कि जे एंड के रिलेटेड कुछ बात हो रही है और वहां पे बोल रही है कि इलेक्शंस जो है और वहां का स्टेटहुड जो है वो फर्दर वेट नहीं कर सकता है, वो जितना जल्दी हो जाना चाहिए चुनाव और स्टेटहुड उसको मिल जाना चाहिए। उसके बाद इस आर्टिकल को थोड़ा सा हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, इट हैज बीन मोर देन 5.5 years सिंस एन इलेक्टेड गवर्नमेंट कोलैप्स एंड गवर्नेंस रूल वॉज इम्पोज इन जम्मू एंड कश्मीर अमिड सस्पेंशन ऑफ द इलेक्टेड असेंबली, अ स्टेप दैट हेराल्डेड ड्रामेटिक चेंजेस इन द अर्स्टवाइल स्टेट। ठीक है, Subsequently, Article 370 that provided for special status for the erstwhile state was removed. The state bifurcated with the region encompassing Jammu and Kashmir made into a union territory and Ladakh hived off into another. क्या था? पहले जम्मू एंड कश्मीर था, जम्मू एंड कश्मीर में वहां पे गवर्नर का रूल आया, क्रोनोलॉजी समझना है ना, गवर्नर का रूल आया, फिर गवर्नर ने वहां के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया, उसके बाद आर्टिकल 370 रिमूव हो गया। 370 रिमूव करने के साथ साथ रीऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो पार्ट में बट गया, जम्मू एंड कश्मीर, एक लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को भी यूटी बना दिया गया और लद्दाख को भी यूटी बना दिया गया। हालांकि सेक्टर का सेंटर का ये कहना है कि वो स्टेटहुड इसको देंगे लेकिन नॉट नाउ।
ठीक है, और उसके बाद इलेक्शन वहां पे नहीं हुआ जिसके लिए 5.5 साल हो गया। ठीक है, मूविंग फर्दर, द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ दिस चेंजेस इज स्टिल अंडर क्वेश्चन एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज रिजर्व्ड इट्स वर्डिक्ट ऑन इट, जो कि मंडे को आने वाला है। ठीक है, मंडे को ये वाला वर्डिक्ट आ जाएगा। ठीक है, but this has not deterred the union government from bringing about legislation that will change the makeup of the UT's prospective legislative assembly beyond completion of delimitation exercise। ठीक है, तो ये उसके बाद भी क्या किए हैं, उसके बाद भी चूंकि ये judicial scrutiny में है, फिर भी उसके बावजूद इन लोगों ने क्या किया है, एक लेजिस्लेशन ला करके और फर्दर जो प्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन जो कि अभी लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि अभी बना भी नहीं है, उसमें ये क्या करने वाले हैं, उसमें कुछ चेंजेस लेकर के आए हैं। ठीक है, ऑन वेंसडे द लोकसभा पास जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 एंड जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। दीज बिल्स डू नॉट नेसेसरली ब्रिंग अबाउट एनी सिग्निफिकेंट चेंज, द फर्स्ट इंक्रीजेस, फर्स्ट वाला जो रीऑर्गेनाइजेशन वाला है, रीऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या किया है वो समझ लो, 107 सीट्स था उसको 114 कर दिया नंबर वन। एसटी के लिए पहली बार 9 सीट्स रिजर्व की गई हैं, दूसरी बात। ठीक है, और उसके बाद ना इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को एम्पावर किया है 3 मेंबर्स को नॉमिनेट करने का, ये मैंने कल वाले न्यूज में कवर किया था, आप लोग उसको देख सकते हैं। वो 3 मेंबर, 2 मेंबर जो है ना वो माइग्रेंट होंगे J&K के, और उसमें से एक वुमेन होंगी, और एक जो है ना POK का माइग्रेंट होगा जो कि इंडिया में सेटल किया है, चाहे वो 1947 वॉर के बाद आया हो, चाहे 1965 वॉर के बाद आया हो, या फिर 1971 वॉर के बाद आया हो, तो किसी भी एक वॉर के बाद आया हो और वो इंडिया में रेसाइड कर रहा हो, उसको वहां पे दिया जाएगा। ये 3 चेंजेस किसमें किए गए, रीऑर्गेनाइजेशन बिल में। ठीक है, और दूसरा जो रिजर्वेशन बिल है उसमें कुछ नहीं, वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लास को चेंज करके, और इन्होंने क्या किया है उसमें, इन्होंने अदर बैकवर्ड क्लासेस कर दिया, एंड दैट इज ऑल दे हैव डन इन बोथ द एक्ट्स। मूविंग फर्दर, प्रोप्राइटी वुड हैव डिमांडेड दैट इवन दीज चेंजेस वुड हैव वेटेड फॉर द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट व्हिच इज ड्यू सून on the legality of abrogation of special status besides the bifurcation of erstwhile state and the procedure adopted to do so। na hindu ka ye statement hai, to unka kehna hai ki ye jo hai na ye ruk sakte the jab tak judgment na aa jaye, kuch matlab monday ko hi to aane wala hai, to ruk sakte the wo, without involvement of elected representatives from J&K in the process the changes proposed in the lok sabha would only seem to be acts that are presented as a fait accompli to UT's citizens। उनका कहने का मतलब है कि रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो वहां से नहीं आया है, जम्मू से, और उनके ना रहते हुए आपने ये डिसीजन लिया है, इसका मतलब आपने मतलब ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था, फेट अकॉम्प्लाई मतलब समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। दिस शुड आल्सो बी टेकन टुगेदर विद द फैक्ट दैट द लास्ट 5.5 इयर्स हैव सीन द सस्पेंशन ऑफ पॉलिटिकल एंड सिविल लिबर्टीज ऑफ पॉलिटिशियन 1, आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन 2, कम्युनिकेशन शटडाउन 3, अ चिलिंग इफेक्ट ऑन मीडिया 4, एंड रिसेंटली लॉन्गर पावर कट्स 5। तो ये 5 चीजें हमने देखी हैं। एनी चेंज टू पॉलिटिकल लाइफ ऑफ J&K साइटिंग द इट्स स्टेटस एज अ रीजन अफेक्टेड बाय सेपरेटिज्म एंड टेररिज्म शुड नॉट बी डन इन अ वे दैट द सिटीजंस फील एलियनेटेड। इनके कहने का मतलब है कि सिटीजन का कॉन्सेप्ट ले लो, उनका उनको ये ना लगे कि उनको एकदम दरकिनार कर दिया गया है। द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस इन J&K हैज टू बी रिस्टोरेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस बाय होल्डिंग popular elections and the restoration of its statehood। This should help not just fill a glaring void in public life in the region in the immediate but also set a stage for addressing long pending issues that have led to the persistence of militancy। Conclusion acha hai, इन सारी चीजों को तो हम लोग काउंटर कर सकते हैं, बट ठीक है, ये द हिंदू का पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये चीज हम लोग कॉन्स में रखेंगे कि ये जो हम लोग यूनिलैटरल डिसीजन ले रहे हैं कहां तक ये किस हद तक सही है, और यूनिलैटरल ये है भी कि नहीं पहले तो वो हम लोग को समझना होगा, बिकॉज अब्दुल्ला वॉज देयर, मिस्टर अब्दुल्ला वॉज देयर इन द लोकसभा व्हाइल द बिल वॉज ब्रॉट इन, राइट। दैट विल बी ऑल इन दिस आर्टिकल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल,
और ये कह रहा है गाजा इन फ्लेम्स, गाजा इन फ्लेम्स, ये इश्यूज जो है ना, ये मुद्दा जो है ना, ये अभी चलेगा मेरे को जहां तक लग रहा है। देखो टोटल ना 23 लाख पॉपुलेशन है वहां का, गाजा का, उसमें ना 1.7 मिलियन, 17 लाख लोग हैव बीन फोर्स्ड आउट ऑफ देयर होम्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब डेटा ना आप जब आंसर में कोट करोगे ना, बहुत ही अच्छा इंप्रेशन बनता है। 16,000 Palestinians have been killed. बहुत important data है, मतलब 16,000, can you just imagine the gravity of the situation, intensity of attack, right? And tens of thousands have been wounded, right? Israel has taken over parts of northern Gaza, pushed its population towards the south, और अब south में जाकर के offensive start कर रहे हैं, और वो भी वहां का एक खान यूनिस करके जगह है, उस शहर को जहां का पॉपुलेशन ऑलरेडी 4 लाख पीपल था बिफोर द अटैक इन द नॉर्मल टाइम्स। नाउ जब वॉर के बाद जब पॉपुलेशन नॉर्थ से साउथ जाना स्टार्ट किया, तो वो लोग जाकर के खान यूनिस ही गए, और वहां पे अब डबल हो गया पॉपुलेशन, अब उस जगह को ये लोग टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड, एंड देयर इज नथिंग मच। आप इस आर्टिकल को एक कर्सरी रीडिंग दे सकते हैं, बहुत ज्यादा नोट्स लेने का जरूरत नहीं है। जैसे कुछ की फ्रेजेस ले सकते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ चिल्ड्रन, जो ऊपर मैंने डेटा बताया वो आप ले सकते हैं। इसमें आप बोल सकते हैं अल शिफा हॉस्पिटल को उन्होंने अटैक किया, लेकिन उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया कि अल शिफा हॉस्पिटल के नीचे बंकर थे हमास के, ठीक है ना। आपने हॉस्पिटल भी उड़ा दिया और कुछ आपने प्रेजेंट भी नहीं किया एज अ प्रूफ, ठीक है ना। और यही सारी चीजें इसमें डिस्कस है कि यूएस जो है वो बोल भी नहीं रहा है, एड अलग से दे रहा है, यूएस सीज फायर के लिए भी नहीं बोल रहा है, है ना। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं वो जो इस आर्टिकल में कवर्ड है, ठीक है। तो एक कर्सरी लुक देकर के यू कैन मूव अहेड, राइट। नाउ दिस फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, एंड विच सेज एससी आस्क सेंटर्स टू गिव डिटेल्स ऑफ इनफ्लो ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स। इन्होंने सेंटर से पूछा है कि भाई तुम बता दो कि क्या इनफ्लो ऑफ माइग्रेंट्स, उसका डिटेल मेरे को दे दो। द बेंच वॉज हियरिंग सीरीज ऑफ पिटिशंस बाय Indigenous Assamese group challenging 6A, Section 6A of the Citizenship Act 1955, the court orders Home Secretary to file affidavit before Monday, says not everyone can settle in India. ठीक है, तो उसके बारे में इन्होंने डिटेल मांगा है कि आप फर्दर फर्निश करो डिटेल। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 3 दिन से ये न्यूज चल रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और हम लोग को ये कवर करना चाहिए, सेक्शन 6A, और क्या इश्यू है पूरा, मैंने कल वाले न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताया हुआ है। प्लीज जाकर के, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो, प्लीज जाकर के वो एनालिसिस देख लो, विदाउट दैट यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल, राइट। तो हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे सेड दैट देयर वाज फीलिंग दैट द अनलिमिटेड इनफ्लक्स ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश नॉट ओनली चेंज डेमोग्राफिक्स बट Also posed a burden or resources meant for Indian citizens, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी फीलिंग है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनके आने से डेमोग्राफिक तो बदला ही बदला, साथ में जो रिसोर्सेज हैं उस पर बर्डन भी बढ़ा, राइट, जो कि इंडियन सिटीजन्स के लिए मेंट थे, लेकिन वो उसका फायदा कोई और भी ले रहा था, राइट। On the one hand, we do not have an open order, open border through which anybody from Bangladesh can come and settle anywhere in India. At the same time, if we do not take action to curb illegal immigration, then it causes all these problems in India. The feeling in India that infrastructure is limited, education is limited, public hospitals are limited, and therefore we cannot allow an unlimited influx, the Chief Justice of India D.Y. Chandrachud, heading the Constitution Bench, observed. And this is a very important observation, right? Feeling of people ka ki infrastructure limited hai, the burden or resources that we talked about in the previous paragraph, right? उसमें उन्होंने बोला है कि रिसोर्स पे बर्डन हो जाता है। रिसोर्सेस क्या है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है लिमिटेड है, एजुकेशन है लिमिटेड है, पब्लिक हॉस्पिटल्स है लिमिटेड है, और इन लिमिटेड फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए हम लोग अनलिमिटेड इन्फ्लक्स ऑफ पीपल नहीं अलाउ कर सकते हैं, राइट। सो द बेंच इज हियरिंग सीरीज ऑफ पिटिशंस बाय इंडिजिनस एसमिस ग्रुप challenging Section 6A of Citizenship Act of 1955. The groups have argued that special provision brought in shortly after signing the Assam Accord in 1985 became beacon for illegal migration in India to settle in Assam,
gain Indian citizenship, deprive the local people of their political and economic rights, and destroy the Assamese cultural identity. ये सारा key phrase है, सारा key phrase है. Infrastructure, education, public hospital, सारा key phrase है. सब आप लोग एकदम note down कर लेंगे. ठीक है? Deprive the local people of their political and economic rights. Destroy Assamese cultural identity. Gain Indian citizenship. Right? ये सब important है. Unlimited influx of citizens, of migrants, right? तो ये सब important चीजें हैं, important key phrases आपको अपने नोट में रखना चाहिए, उसको बार बार नोट्स को देखते रहना चाहिए, सो दैट आपके दिमाग में बैठ जाए और जहां वो क्वेश्चन दिखे आपको उसको डाल देना है उसमें. ठीक है? सेक्शन 6A डिवाइडेड माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया इंटू 3 टाइम पीरियड्स. और कल ये चीज मैंने जिक्र किया था, आज फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एक डेट है 1 जनवरी 1966 और दूसरा है 25th March 1971. 1 जनवरी 1966 के पहले जो आया है उसको अनकंडीशनल सिटीजनशिप दे दिया जाएगा. 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच में जो आया उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा, लेकिन वोटिंग राइट्स 10 साल तक नहीं मिलेगा, 10 साल के बाद मिल जाएगा. और मार्च 1971 के बाद जो आया है उसके बाद जो आया है उसको एक्सपेल करना फ्रॉम द कंट्री. Now, moving further, the Supreme Court ordered Home Secretary to file affidavit before Monday on the estimated inflow of illegal immigrants into India, including but not confined to Assam, after March 1971. So, Supreme Court ने बोला है कि illegal immigrants जितने आए हैं ना, उन सब का मेरे को लिस्ट दो, not only in Assam but also in other parts of India like West Bengal. आगे वो बोलेंगे भी. Steps taken by the center to deal with the illegal immigration and details on extent of and timelines for the border fencing. Sara detail aap furnish karo ki aapne kya action liya hai illegal immigration ko rokne ke liye aur timeline kya hai border fencing ka aur kis extent tak ho gaya hai, ye sari cheeze aapko batana hai. सेंटर को बताना है. चीफ जस्टिस चंद्रचूड सेड इंडिया वाज नॉट एन ऑथोरिटेरियन कंट्री दैट वुड जस्ट पिक अप इलीगल इमिग्रेंट्स एंड डिपोर्ट देम. द सीजीआई सेड इंडिया फॉलोड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एज देयर वाज अ जेन्युइन फियर दैट इनोसेंट्स वुड बी पिक्ड अप. सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल अपियरिंग फॉर रेस्पॉन्डेंट पार्टी इन द केस इंडिकेटेड दैट द लेजिस्लेटिव पॉलिसी सच एज सेक्शन 6A क्रिएटेड प्रॉब्लम्स. It becomes us versus others, right? Us versus others. The court asked the center why Section 6A, which gave illegal migrants benefit of Indian citizenship, was made applicable only in Assam and not in West Bengal, which shared larger portion of the border with Bangladesh. ठीक है, वो असम में क्यों हुआ, वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं अप्लाई किया सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955? Why did you single out Assam? Did you have any cogent data to show that illegal immigration to West Bengal was minimal compared to Assam? So that you left the former state alone. Possibly the extent of illegal immigration to West Bengal may have been more significant than in Assam. Chief Justice D.Y. Chandrachud addressed Solicitor General Tushar Mehta appearing for the center and state of Assam. राइट right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि आपने जो ये अप्लाई किया सेक्शन 6A ऑफ द एक्ट इन असम ओनली, जैसा कि असम बोल रहा था ना, कल हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा था कि उन्होंने क्लेम किया था कि ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन है, डिस्क्रिमिनेशन अमंग द स्टेट्स है. बाकी सारे स्टेट में सिटीजनशिप का प्रोविजन कुछ अलग इंप्लीमेंट किया जाता है, आप जब असम में आते हो तो वहां पे सेक्शन 6A आ जाता है जो कि अलग बात करता है. तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों, उसी के कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख्याल से उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा होगा कि वेस्ट बंगाल को आपने क्यों छोड़ दिया, क्या वेस्ट बंगाल में मिनिमल माइग्रेशन ऑफ द पीपल है या मैक्सिमम है या ज्यादा है. द कोर्ट आज द गवर्नमेंट टू गिव डिटेल्स अबाउट इलीगल इमिग्रेशन और पोस्ट मार्च 1971 इनटू वेस्ट बंगाल पार्ट ऑफ द बॉर्डर. The Chief Justice noted grievances about demographic changes and destruction of local cultural identity due to illegal immigration from foreign country cannot be compared to the complaints by people of one state about how migrants from another state within the country were changing their culture. अब उनका कहना है कि illegal immigration from other country cannot be compared to
माइग्रेशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, जैसे कि महाराष्ट्र वाले कहेंगे कि बिहार के लोग आकर के यहाँ का डेमोग्राफिक बदल रहे हैं या यहाँ के रिसोर्स पे बर्डन हो रहे हैं, लिमिटेड रिसोर्स को वो लोग यूटिलाइज करें, चाहे दिल्ली वाले बोले, चाहे साउथ इंडिया वाले बोले, कोई भी अगर इस तरह की बात बोलता है तो दीज टू थिंग्स आर नॉट कंपेरेबल। इंडिया को उन्होंने वन एंटिटी बोला हुआ है, इंडिया इज वन एंटिटी एंड दिस इज ऑल्सो अ की फ्रेज, इंडिया इज वन एंटिटी। आप सीधा बोल सकते हैं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कहा है, ठीक है, आर्टिकल तो है ही, आर्टिकल 19 हम लोग जानते हैं, वो ऐसा बनाता है कि इंडिया को यूनिफाई रखने के लिए, ठीक है ना। तो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर, कल वाला न्यूज आर्टिकल जरूर आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को ये वाला न्यूज अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन एम्बेसडर ग्रांटेड कंसुलर एक्सेस टू 8 डेथ रो प्रिजनर्स इन कतर। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और कतर के एमिर जो है, इन दोनों की मुलाकात हुई। उन दोनों की मुलाकात के बाद पहले तो कंसुलर एक्सेस नहीं मिल रहा था, अब कंसुलर एक्सेस मिला है और वो कंसुलर एक्सेस कतर ने डिसाइड किया देने का आफ्टर मीटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन द साइड लाइन्स ऑफ COP28 इन दुबई। राइट, तो दिस इज वॉट हैज बीन इन्फॉर्म बाई MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। कुछ भी खास उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है किस चार्ज पे उनको डेथ सेंटेंस दिया गया है, ये सारा पब्लिक डोमेन में अभी नहीं आया है। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, SC मेक्स वीडियो ऑन केशवानंद भारती जजमेंट अवेलेबल। ठीक है, ये YouTube पे जाकर के मेरे को जाकर के देखना पड़ा, 5 मिनट का कुछ वीडियो है, 4.5 मिनट का, उस वीडियो को आप लोग जाकर के देख सकते हैं, 10 लैंग्वेज में आया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जजमेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी ये रिसेंटली ये कॉन्टेक्स्ट में है, आप लोग सब लोग बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर ने क्रिटिसाइज किया है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को फॉर डाइल्यूटिंग पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी। DPSC हो या UPSC हो, BSD उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और BSD बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे मेरा वीडियो पड़ा हुआ होगा YouTube पे, आप लोग जाकर के वो देख भी सकते हैं कि किस तरह से इसका इवोल्यूशन होता है, बिगिनिंग फ्रॉम केशवानंद भारती केस, जहां पे उन्होंने बोला था कि आप कोर फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बाकी आप जिस पार्ट को चेंज करना चाहें आप कर दीजिए, बस कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, रूल ऑफ लॉ, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, इलेक्शंस, राइट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये सारा चीज आप चेंज नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट हैज बीन सेड इन द केशवानंद भारती केस जजमेंट, और जगदीप धनकर ने ये बात बोल करके कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज अ लिमिटेशन टू पार्लियामेंट्री सोवरेंटी, दो दिस इज ट्रू बट सिंस इट हैज कम फ्रॉम हिम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर डिबेट अगर होता है तो आपको बोथ साइड्स का प्रो एंड अगेंस्ट में आपको आर्ग्यूमेंट तैयार रखना होगा। ऑलराइट, गुड, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, NIA हैज यू नो अटैच्ड प्रॉपर्टी ऑफ 2 की लश्कर तैयबा ऑपरेटिव्स इन कश्मीर। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बस इंपॉर्टेंट ये था कि सेक्शन 33(1) ऑफ UAPA एक्ट के तहत ना उन्होंने इस प्रॉपर्टी को अटैच किया है। ठीक है, सेक्शन 33 सब क्लॉज 1 ऑफ UAPA एक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट्स में डाल सकते हैं। US शेयर्ड एविडेंस ऑन पन्नुम इशू एंड कैनेडा डिड नॉट, एस जयशंकर सेड इन द पार्लियामेंट। राइट, तो इन्होंने बोला कि मतलब कि जैसे कि कनाडा और यूएसए के केस में ना, ये द हिंदू ने भी बोला था और ऑपोजिशन भी इस बात पे को रेज किया कि आपने यूएसए और कनाडा दोनों को इक्विटेबल ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया। तो एस जयशंकर साहब का कहना है कि कनाडा ने मेरे को कोई एविडेंस नहीं दिया, हमें कोई इनपुट नहीं दिया हमें, और सिर्फ अलेज किया हमारे ऊपर, जबकि यूएसए हैज गिवन अस द इनपुट्स, और उन इनपुट्स को देखने के लिए, चेक करने के लिए हमने कमिटी बना रखी है। तो हम लोग, आप अगर बैक करते हो अपनी बात को बाय एविडेंस, देन ऑन दैट वी आर बाउंड टू एक्ट, बट यू आर जस्ट, इन केस यू आर जस्ट अलेजिंग और ट्राइंग टू इम्प्लीकेट मी, देन दैट इज अ डिफरेंट इशू, तो उसमें हमारा डायरेक्शन ऑफकोर्स थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट हैज बीन सेड। ऑलराइट, सो दैट विल बी ऑल इन टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस, आई विल सी यू टुमारो, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी, थैंक यू ऑल।